Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will start a new unit, that is drugs used in the treatment of gastrointestinal disease or drugs affecting GI system. तो देखिए जीआई सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी ड्रग्स हम लोगों को पढ़नी होती हैं, जैसे कि इसी में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स, देन एंटी डायरियल, देन लैक्सेटिव्स, देन पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रो इसोफेजियल की फार्माकोलॉजी और लास्ट रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एमेटिक्स एंटी एमेटिक्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर. तो देखिए मैं आपको बता दूं, एमेटिक्स एंटी एमेटिक्स नोज़िया वॉमिटिंग से रिलेटेड डिजीज़ होती है. एक्चुअली नोज़िया वॉमिटिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिक सबस्टांस को या हमारे जीआईटी से टॉक्सिक सबस्टांस को रिमूव करने के काम आने वाला एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. इसके जो सिम्टम्स हैं, ये एक तरह का सिम्टम है जो कि ऑल्टर्ड फंक्शनिंग को दिखा रहा होता है. ये कोई डिजीज़ नहीं है, नोज़िया वॉमिटिंग इज़ नॉट अ डिजीज़, ये ऑल्टर्ड फंक्शनिंग का एक सिम्टम है. नोज़िया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एम्पेंडिंग वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी आने जैसा लगना नोज़िया होता है. फीलिंग ऑफ एम्पेंडिंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग को अपन नोज़िया कहते हैं. वेयर इज वॉमिटिंग रेफर्स टू द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू द माउथ, मतलब स्टमक और अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कंटेंट का फोर्सफुली माउथ के थ्रू एक्सपल करने के प्रोसेस को अपन वॉमिटिंग कहते हैं. तो हमारे जो टॉपिक्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एमेटिक्स एंटी एमेटिक्स, प्रोकाइनेटिक्स, पर्गेटिव्स, एंटा एसिड्स, एंटी डायरियल्स, एंटी अल्सर्स, कार्मिनेटिव एंड एनोरेक्टल प्रिपरेशंस अपन इसके अंदर पढ़ते हैं. तो एमेटिक्स में एमेसिस क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जो प्रोड्यूस या इंड्यूस करती है वॉमिटिंग को, इसको अपन एमेटिक्स कहते हैं. प्रोड्यूस और इंड्यूस वॉमिटिंग इज कॉल्ड एमेटिक्स. अब वॉमिटिंग की मैकेनिज़म हमारे को पढ़नी, पहले बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिज़म पता होगी तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे. तो डेफिनेशन तो मैंने बताई आपको, इट इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक वाया माउथ और समटाइम्स थ्रू द नोज, कई बार नोज से नहीं तो माउथ से स्टमक के कंटेंट्स का फोर्सफुल एक्सपल्शन वॉमिटिंग कहलाता है. वॉमिटिंग रिफ्लक्स जो है वो दो सेंटर्स से, मेड्यूला के अंदर इसके दो सेंटर्स होते हैं, वॉमिटिंग सेंटर और CTZ. CTZ नाम अपन ने कई बार पहले बीच में पढ़ा था, है ना, जहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉलनर्जिक एंटी कॉलनर्जिक वगैरह पढ़ाया था, पार्किंसोनिज्म पढ़ाया था, वहाँ पर CTG नाम आया था, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. तो जो द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिटिंग सेंटर इन द मेड्यूला, स्टिमुलाई रिलेड टू दिस सेंटर फ्रॉम GIT, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड वेस्टिबुलर एपरेटस. द लैक ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर एट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन अलाउज इट टू बी डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाई ब्लड बॉर्न ड्रग्स एंड टॉक्सिक सबस्टांसेस. तो CTZ कैसे स्टिम्युलेट होता है, जो लाइन मैंने अभी अभी आपको बताई कि टैक्टाइल स्टिम्युलेशन आता है ऑफ द बैक टू द ऑफ द बैक ऑफ द थ्रॉट, थ्रॉट के बैक से अ रिफ्लेक्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज़ टू बिगर और टू इरीटेटिंग टू बी स्वेलोइड. जो चीज़ आपने निकली है वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो, तो उससे वापस उसको निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स चलता है, जो उल्टा प्रोसेस चल रहा है, वही ये कंडीशन है, ये CTZ वही कर रहा होता है. एक्सेसिव स्टमक डिस्टेंशन अगर हो जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है इस डायरेक्ट स्टिम्युलेशन से, और इनर ईयर के वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स, इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स हैं उनका स्टिम्युलेशन होता है. इंटेंस पेन फाइबर स्टिम्युलेशन हो रहा होता है, या वेरियस केमिकल्स होते हैं जैसे फ्यूम, सर्टेन ड्रग्स होती हैं, डेब्रिस होता है, सेलुलर डेथ की वजह से जो डेब्रिस आ रहा होता है उसकी वजह से भी हमारे CTZ को स्टिम्युलेशन मिलता है, जिससे कि नोज़िया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन ये कॉज कर देता है या स्टिम्युलेट होता है उसके लिए. इसके अलावा CTZ स्टिम्युलेट होता है कई अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा और इनिशिएट्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स दैट फर्स्ट प्रीपार इट द सिस्टम फॉर वॉमिटिंग
और फिर वो स्टिमुलेट होकर के रिस्पॉन्स देता है जिससे कि वॉमिटिंग का सिस्टम शुरू होता है एंड देन कॉज अ स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड पैरास्टासिस टू रिड द स्टमक ऑफ इट्स कंटेंट्स। कि वॉमिटिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत तेज़ी के साथ में बैकवर्ड पैरास्टैटिक मूवमेंट चलता है स्टमक का ताकि उसके कंटेंट्स जो है वो बाहर आ जाए। अब टॉक्सिक सबस्टांसिस का हमने बोला चल रहा है। इसके अलावा जो नोजिया वॉमिटिंग होती है वो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी हो सकती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंसेस भी जो होते हैं ऑफ ऑलमोस्ट एनी ऑफ द विसरा और मे बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन, ड्रग्स, रेडिएशन, पेनफुल स्टिमुलाई, मोशन सिकनेस, मेटाबॉलिक एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो नोजिया वॉमिटिंग को कॉज करती हैं। और नोजिया वॉमिटिंग है मेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो इन्वॉल्व रहते हैं वॉमिटिंग में वो है एस्टाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड 5-HT, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, और इसके अलावा डोपामिन। ये चार चीज़ें ACH, हिस्टामिन, 5-HT और डोपामिन। अब एमेटिक्स जो हैं अपन क्लासिफिकेशन देख लें पहले एमेटिक्स का, कि इसको क्लासिफाई जब अपन कर रहे हैं तो स्टिम्यूलेंट्स ऑफ सिटीजेड जिसमें एपोमॉर्फिन आती है, मॉर्फिन आती हैं। दूसरा एटेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसमें मस्टर्ड और सोडियम क्लोराइड आते हैं। तीसरा बोथ सिटीजेड स्टिम्यूलेंट एंड इरिटेंट इफेक्ट, इसमें आइपिका, क्यूना आती है और डिजिटालिस आती हैं ड्रग्स। अब देखिए एमेटिंग्स वो ड्रग्स हैं जो वॉमिटिंग कॉज करवाती है, उनको अपन एमेटिक्स कहते हैं। जैसे अभी बोला मैंने मस्टर्ड हो गई, कॉमन सॉल्ट की वजह से भी ऐसे होता है, आइपिकैक और एपोमॉर्फिन की वजह से भी ऐसा होता है। मस्टर्ड और कुछ कॉमन सॉल्ट जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड एमेटिक्स के लिए, कि भाई किसी को किसी ने कुछ टॉक्सिक सबस्टांस ले लिया है, कोई पॉइजन खा लिया तो नमक घोल करके पानी पिलाया जाता है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, मस्टर्ड दिया था ये तुरंत वॉमिटिंग कॉज करा देता है। यह सिर्फ आइपिकैक आता है, ये एक सेफर एमेटिक है एपोमॉर्फिन के कंपैरिजन में। एमेटिक्स आर इंडिकेटेड इन सर्टेन केसेस ऑफ पॉइजनिंग, किसमें दी जाती है एमेटिक्स, ऑब्वियस है कुछ पॉइजनिंग के केसेस के अंदर, पर कुछ चीज़ों में इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होता है एमेटिक्स का। जैसे किन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन में होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हमें ये नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो एस्पायरेशन कर लेते हैं, या कोरोसिव और कॉस्टिक पॉइजनिंग किसी में हुई हो तो ईसोफेजियल लाइनिंग का फर्दर डैमेज ना हो इसके लिए। सीएनएस स्टिम्युलेंट्स की वजह से कोई पॉइजनिंग हुई हो तो सीजर्स को प्रेसिपिटेशन का रिस्क रहता है, इसलिए नहीं देनी चाहिए। कैरोसिन की पॉइजनिंग हुई हो तो उसके एस्पायरेशन का डर रहता है, उसका एस्पायरेशन हो सकता है, इसलिए हमारे को ऐसे केस में भी एमेटिक्स नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो ड्रग्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। देखिए एपोमॉर्फिन हमारे को मॉर्फिन के ट्रीटमेंट से, मॉर्फिन को SCL से ट्रीट करो तो आपको एपोमॉर्फिन मिलती है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर, जैसे आप ये दवाई देंगे 5 से 10 मिनट में उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। 2 से 4 mg आप इसको सबक्यूटेनियस या IM रूप से दे सकते हैं। ये मस्टर्ड है, हाउस होल्ड रेमेडी है वॉमिटिंग के लिए। 1 teaspoon वाटर के साथ आप मस्टर्ड लीजिए, तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। एपिकाकोना हमारे को ड्राइड राइजोम या कार्पे की जो उसकी रूट्स होती है उससे ये हमारे को मिलती है। सिरप के फॉर्म में अवेलेबल रहती है, 15 से 20 ml ले सकते हैं। वॉमिटिंग 15 मिनट के अंदर अंदर ये कॉज करवा देती है। अब नेक्स्ट एंटी एमेटिक्स क्या आता है, ड्रग्स दैट प्रिवेंट वॉमिटिंग। द ड्रग्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल वॉमिटिंग आर कॉल्ड एंटी एमेटिक्स, जो वॉमिटिंग को रोक रही हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए भाई, ये प्रोकाइनेटिक के रूप में एंटी मस्कारेनिक्स, एंटी हिस्टामिन्स, न्यूरोलैप्टिक्स, 5-HT3 एंटागोनिस्ट के फॉर्म में पाई जा रही होती हैं। प्रोकाइनेटिक्स के रूप में अपन मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग दे सकते हैं। दूसरी डोमपेरिडोन ड्रग, एंटी मस्कारेनिक्स में हायोसिन और मैक्लोजिन, एंटी हिस्टामिन में साइक्लोसिन, प्रोमीथाजिन, न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोप्रामाजिन और प्रोक्लोप्रामाजिन, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट में ओंडेनसेट्रॉन और ग्रैनीसेट्रॉन ड्रग दी जाती है। इसके अलावा एक और इसका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स हम ये वाले नाम देकर ना देकर के अपन एंटीकोलिनर्जिक्स नाम दे सकते हैं, जिसमें स्कोपोलामिन,
जिसको यहाँ पर मैंने एंटी मस्कैनिक कहा है, एंटी मस्कैनिक और एंटी कॉलर्जिक भी कहते हैं। सेकेंड नंबर का जो नाम है स्कोपोलामिन को ही हायोसिन कहा जाता है, और दूसरी मैक्लोजिन इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन्स, जिसको अपन H1 ब्लॉकर्स भी कहते हैं। इसके अंदर डाइमेनहाइड्रिन, डाइफेनहाइड्रिन, मैक्लोजिन, हाइड्रोक्सीजिन, प्रोमिथाजिन, डाइक्लोसमिन, 5-HT3 रिसेप्टर में ऑन्डेंसेट्रॉन और ग्रैनीसेट्रॉन आती है। प्रोकाइनेटिक के अंदर तो मैंने आपको बता ही दी है, न्यूरोलैप्टिक्स हमने पढ़ ली। इसके अलावा कुछ एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स भी होती है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बेंजोडाइजापिन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में बीटा मीथेजोन, डेक्सामीथेजोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन ड्रग्स आती हैं। बेंजोडाइजापिन में लोराजेपाम और एल्प्राजोलाम ड्रग आती हैं। अब इनको इंडिविजुअल इनको भी देख लेते हैं भाई। प्रोकाइनेटिक्स ही वो ड्रग्स हैं जो कि GIT की मोटिलिटी को प्रमोट करते हैं और तुरंत गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करवा देते हैं, यानी खाली कर देंगे पेट को। जैसे मेटोक्लोप्रामाइड, रेगलन भी कहा जाता है, ये सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों इफेक्ट दिखाती है। सेंट्रल में ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर अपन ने पढ़े थे, उनको ब्लॉक कर देंगे। और दूसरा पेरिफ्राई के अंदर ये गैस्ट्रिक एम्प्टी को बढ़ा देते हैं, अगर अपन 5-10 mg ये मेडिसिन देते हैं तो। दूसरी मेटोक्लोप्रामाइड, रेगलन कहा जाता है, 5-10 mg देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के अंदर दी जाती है, भाई ऑपरेशन के बाद कई बार वॉमिटिंग हो रही होती है या एनेस्थीसिया की वजह से वॉमिटिंग हो रही होती है, तो अपन ये ड्रग देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में पर्सन को बेचैनी होती है, ड्रॉसीनेस, डिजीनेस या डायस्टोनिक रिएक्शन देखने को मिल रही होती है। डोमपेरिडोन नेक्स्ट है, ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को अपर GIT में ब्लॉक कर देती है। 10 mg दे सकते हैं, 30 mg की टैबलेट भी दे सकते हैं, और सिर्फ दे रहे हैं तो 1 mg/ml सिर्फ दिया जाता है। साइड इफेक्ट में सरदर्द होता है, डिजीनेस होती है, मुंह सूखने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, फ्लशिंग और इरिटेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है एंटी मस्कारिनिक्स, इसका एक्शन क्या है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है एसिटाइल कोलीन के एक्शन को मस्कैनिक रिसेप्टर पर। एसिटाइल कोलीन के दो रिसेप्टर हैं ना, मस्कैनिक और निकोटिनिक, ये मस्कैनिक रिसेप्टर के पर उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो नाम ही पता चल रहा है एंटी मस्कैनिक्स। इसमें हायोसिन आती है जो बहुत ही इफेक्टिव है मोशन सिकनेस के अंदर। 0.4-0.6 mg अपन दे सकते हैं 30 मिनट के लिए जर्नी शुरू करने से पहले। लेब्रियंथिन सेडेटिव होते हैं, ये हमारे लेब्रियंथ को सेडेशन कर देती है, लेब्रियंथ से वॉमिटिंग कॉज हो रही होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट है न्यूरोलैप्टिक्स, इसका एक्शन क्या है, ये CTZ को सप्रेस करती है, इसलिए वॉमिटिंग को एंटागोनाइज कर देती है, उन ड्रग्स को ये एंटागोनाइज करती है जो कि CTZ को स्टिम्युलेट करते हैं, जैसे क्लोप्रामनाजिन इसका एग्जाम्पल है। 10-25 mg दे सकते हैं, 4-6 घंटे तक अपना असर दिखाती है। और IV या IM दे रहे हो, ये तो ओरल रूट से थी, IV IM 25-50 mg देते हैं जो 4-6 घंटे तक अपना असर दिखाएगी। नेक्स्ट है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ये 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये 5-HT3 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर में। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देंगे। ऑन्डेंसेट्रॉन जिसको अपन एमिसिट कहते हैं, ये 5-HT3 रिसेप्टर को GIT में ब्लॉक करते हैं और CTZ में ब्लॉक कर देते हैं। स्पेशली ये कीमोथेरेपी में यूज़ की जाने वाली ड्रग है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में वॉमिटिंग वगैरह को, या फिर कोई दूसरी ड्रग जो वॉमिटिंग इंड्यूस करती है उसके लिए अपन ये दे रहे होते हैं। 4 mg हर एक एम्प्यूल में 4 mg है, या 4-8 mg की टैबलेट भी आप दे सकते हैं। यहाँ दोनों के डायग्राम फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। इसके साइड इफेक्ट के रूप में हेडेक रहने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, डिजीनेस हो जाती है। मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जो इस दवाई को यूज़ करने पर कॉमनली लोगों में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रैनीसेट्रॉन, 10-15 बार ज़्यादा, मतलब 10-15 गुना ज़्यादा पोटेंट है ये ऑन्डेंसेट्रॉन के कंपैरिजन में। कीमोथेरेपी में बहुत इफेक्टिव है, IV 1 mg इसकी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन्स, ये वॉमिटिंग सेंटर में सिडेशन कॉज करती है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये काफ़ी सेफर मानी जाती है।
मोशन सिकनेस में इफ़ेक्टिव है, और लैबरियंथ के डिसऑर्डर की वजह से, कान के लैबरियंथ के डिसऑर्डर की वजह से वॉमिटिंग हो रही हो तो उसमें भी अपन एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, साइक्लोजन, मैक्लोजन, 50 mg/ml इसका इंजेक्शन दे सकते हो, 50 mg की टैबलेट भी दे सकते हो। अब जो एंटी एमिटिंग एजेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं, जो पेशेंट्स रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नर्सिंग कंसिडरेशन होता है, जैसे कि एसेस फॉर पॉसिबल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आपको ध्यान रखना है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, किसी गलत चीज़ से आ तो दवाई ना ले लें, या कॉशंस आपको लेने हैं उसके, कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है एंटी एमिटिंग के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन को आपको अवॉइड करना है, रीनल हिपैटिक फंक्शन इम्पेयर्ड ना हो जाए इसका आपको एसेस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आपको एसेस करना है, जिसमें लेवल ऑफ ओरिएंटेशन, इफेक्ट और रिफ्लेक्सेस को आपको ध्यान रखना है। एब्डोमेन को एग्जामिन करिए, जिसमें लिवर, ऑस्कल्टेट बॉल साउंड को आपको देखना है। कोई नोजिया वगैरह की कंप्लेन आ रही हो उसको एसेस करना है, एमएसएस को इवेलुएट करना है, कलर, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, वॉमिटिंग एपिसोड्स की आपको देखनी है, भाई वॉमिटिंग जो हो रही है उसका कलर क्या है, कितने अमाउंट में हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी देर में हो रही है, आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्ट करना है आपको क्लाइंट को कि वो काउंटर प्रिपरेशन को अवॉइड करें हमेशा, उसके साथ ऐसी कोई चीज़ ना लें, वॉमिटिंग कोई रोकने की दवाई दी और उसके साथ आप वॉमिटिंग होने वाली दवाई दे रहे हो तो एंटी एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स को वो साथ ना लें, इस बात का ध्यान रखना है। क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अल्कोहल उसको नहीं लेना है एंटी एमेटिक्स जब वो ले रहे हैं। प्रेग्नेंट वीमेन को बताना है कि एंटी एमेटिक्स को हमेशा उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अवॉइड करना ही है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। बस इसके साथ में आपका ये एमेटिक्स एंटी एमेटिक्स नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आप इसको पढ़िए, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। बस इसके साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।